Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kasyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. Camera us bachchi pe lagaiye, ha. From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent conch-shaped layout, Rath Yatra, and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister, sir, namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawahar Navoday Vidyalay, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Manini Pradhan Mantri Ji, Rupesh aur Tanmay, pareeksha mein anuchit sadhanon ke prayog se kaise bacha jaye, is vishay par aapka margdarshan chahte hain. Shraddhay Pradhan Mantri Ji. Mujhe khushi hui ki hamare विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए. खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके कॉपी कर करके नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है. पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे. अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया. ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज ए सच ये हम सबको सोचना होगा. दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए. करते हैं ना, ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते है? तो बोलिए ना. हाँ, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं. उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे. कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता. किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था. दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी. आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई ना कोई एग्जाम देनी पड़ती है.
कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो चार मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना दोस्तों। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आपने जानता है रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना वहां ब्रिज होता है, तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तुम्हारा लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।